चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। नरभक्षी राजा, अच्छी कहानी है दोस्तों, ध्यान से सुनना। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी का राजा कलाधर अपने समय का श्रेष्ठ बलवान और विभिन्न कलाओं में पारंगत था। रूप और गुण में दूर दूर तक उसका कोई सानी नहीं था, किंतु उसमें एक दुर्गुण भी था। वह अत्यंत अहंकारी था। एक दिन महामंत्री, हम आखेट के लिए वन में अकेले जाना चाहते हैं, हमारा सब तैयार कराइए। आपकी आज्ञा शिरोधार्य महाराज, किंतु मेरा निवेदन है कि आप आखेट के लिए वन में अकेले न जाए तो अच्छा है। वन में तरह तरह के भयानक और खूंखार जानवरों का आप अकेले कैसे सामना कर पाएंगे? महामंत्री की बात पर राजा को क्रोध आ गया। आप हमें कायर समझते हैं महामंत्री, क्या आपको हमारे बाहुबल पर भरोसा नहीं है? ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता महाराज, लेकिन अपने राजा की सुरक्षा का ध्यान रखना मेरा धर्म है। तुम्हारे उत्तर से हम संतुष्ट हुए महामंत्री, लेकिन मैं अकेले ही आखेट के ले जाऊंगा। हम सूर्यवंशी अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। जैसे आपकी इच्छा राजन, मैं अभी तैयारी कराता हूं। कुछ देर बाद राज्य का भार अपने महामंत्री पर छोड़कर राजा कलाधर अकेला याकेट के लिए चल दिया। मेरे राज्य में सभी लोग कायर होते जा रहे हैं। वन में पहुंचकर राजा ने कितने ही वनेले और हिंसक पशुओं को अपने तीर का निशाना बनाया। संध्या के समय जब राजा वापस लौटने की सोच रहा था, तो उसकी दृष्टि एक विचित्र हिरनी पर पड़ी। अरे अद्भुत, इसे तो जीवित पकड़ना चाहिए। हिरनी को पकड़ने के लिए राजा ने अपना घोड़ा उसकी ओर बढ़ाया, तो हिरनी चौकड़ी भरने लगी। बचकर कहां जाएगी? हिरनी का पीछा करते करते राजा बहुत दूर निकल आया। पहाड़ी के ऊपर एक खुले स्थान पर पहुंचकर हिरनी ने अपना चोला बदला। राजा जब ऊपर पहुंचा तो सुंदरी को देखकर बोचक्का रह गया। देवी, तुम कौन हो? मैं तो एक हिरनी का पीछा करते हुए यहां तक पहुंचा हूं। क्या तुमने स्वर्ण आभूषणों से युक्त उस हिरनी को देखा है? वह इधर ही आई थी। क्या वह ये आभूषण पहने थी? राजा चौंका। हाँ, यही आभूषण थे, लेकिन वह हिरनी की राख वहां पड़ी है राजन, मैंने उसे भस्म कर दिया। ओ, पर तुमने उसे क्यों भस्म कर दिया, बेचारी निरीह पशु? यही प्रश्न यदि मैं तुमसे पूछूं कि तुमने वन के निरीह पशुओं की हत्या क्यों की है, जबकि तुम पशु मांस भी नहीं खाते? उस सुंदर युवती की बात से हैरान होकर राजा ने उसकी ओर देखा। तुम तो मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो देवी, पर मैं तुम्हारा परिचय अभी तक नहीं जान पाया। इस निर्जन वन में तुम अकेले किस लिए घूम रही हो? जिसलिए तुम यहाँ घूम रहे हो राजन, यानी आखेट के लिए। आखेट के लिए? पर तुम्हारे पास तो कोई हथियार भी नहीं है, आखेट कैसे करोगी? मैं सब हथियार हूं राजन, सूर्य पुत्री तापसी के लिए किसी हथियार की क्या जरूरत है? सूर्य पुत्री? हाँ राजन, अपने पिता की आज्ञा से मैं अपने लिए योग्य वर की तलाश में निकली हूँ। सूर्य पुत्री तापसी के तेज को राजा कलाधर सहन नहीं कर सका, तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। हे देवी, तुम्हारे ताप को सहन करने की शक्ति मुझमें नहीं है, तुम्हारा रूप अद्भुत है। तापसी ने अपनी किरणों को समेट लिया और मुस्कुराई। राजा ने आंखें खोली तो देखता रह गया। आहा, तुम्हारे रूप और सौंदर्य में तपिस भी है और शीतलता भी, तुम रश्मि हो देवी। काश मैं तुम्हें पाने के लिए स्वयं को तुम्हारे योग्य सिद्ध कर सकता। राजन, यदि तुम मेरे पिता को प्रसन्न कर सको तो मुझे पा सकते हो। अपने पिता की आज्ञा के बिना मैं किसी का भी वरण नहीं कर सकती। इतना कहकर तापसी आकाश में उड़ गई। राजा पागलों की तरह उसके पीछे भागा। रुक जाओ देवी, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अब व्यर्थ है। तापसी आंखों से ओझल हो गई तो राजा भूखा प्यासा वही एक चट्टान पर बैठ गया। ऐसा अद्भुत और दिव्य सौंदर्य मैंने पहले कभी नहीं देखा, मानो साक्षात लक्ष्मी थी वह। उसके बिना मैं राजमहल लौट कर कैसे जाऊं? उधर सवेरा होने तक भी जब राजा कलाधर राजधानी वापस नहीं लौटा, तो महामंत्री को चिंता हुई। सेनापति वरुण केतु, महाराज अभी तक आखेट से नहीं लौटे, कहीं वे किसी मुसीबत में न फंस गए हों। महामंत्री जी, हमें महाराज को ढूंढने तत्काल वन में जाना चाहिए।
मैं भी यही सोचता हूँ, पर अयोध्या को छोड़कर हम दोनों इकट्ठे कहीं नहीं जा सकते, इसलिए कुछ सशस्त्र सैनिकों को साथ लेकर मैं महाराज को ढूंढने जा रहा हूँ। तब तक तुम यहाँ की देखभाल करो। जो आज्ञा महामंत्री जी। कुछ विश्वस्त सैनिकों को साथ लेकर महामंत्री राजा की खोज में निकल पड़ा। दोपहर तक जंगल में भटकते भटकते महामंत्री को एक पहाड़ी के नीचे राजा का घोड़ा दिखाई दिया। महाराज का घोड़ा? तुम सब आसपास का क्षेत्र छान डालो, वे यही कहीं होंगे, मैं ऊपरी पहाड़ी पर जाकर देखता हूँ। जो आज्ञा महामंत्री जी। ऊपरी पहाड़ी पर महाराज को मूर्छित अवस्था में पड़े देखकर महामंत्री चौंका। वो यह आपको क्या हुआ महाराज, आंखें खोलिए। आ देवी तापसी। कुछ पलों के बाद राजा ने आंखें खोली। महामंत्री, देवी तापसी के बिना हम महल में वापस नहीं जाएंगे, तुम हमें मारे हाल पर छोड़ दो और यहाँ से लौट जाओ। राजा जब अच्छी तरह उठकर बैठ गया तो महामंत्री ने राजा से कहा, महाराज आपका इस प्रकार मोह के वशीभूत होना उचित नहीं है, आप मुझे बताइए कि यह देवी तापसी कौन है। महामंत्री, यदि सूर्य पुत्री तापसी को तुम देखते तो तुम भी मेरी तरह मोहित हो जाते, वह अद्भुत त्रिलोक सुंदरी है, उसके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। धैर्य रखिए महाराज, आपके लिए ब्राह्मण की कोई भी वस्तु खोज कर लाई जा सकती है, मैं अपने कुशल दूतों को आज ही सूर्यपुत्री तापसी की खोज में भेज दूंगा। नहीं महामंत्री, मेरे सिवाय उसे कोई दूसरा खोज कर नहीं ला सकता, वह पुनः यहाँ आएगी। तब राजा ने देवी तापसी से भेंट की सारी कथा महामंत्री को कह सुनाई। सुनकर महामंत्री सोच में डूब गया। राजन, इस प्रकार भूखे प्यासे वन में विलाप करने से कोई लाभ नहीं होगा, इससे तो अच्छा कि आप अपने कुलगुरु हिरण्यगर्भ से देवी तापसी को पाने का उपाय पूछिए। तुमने उचित परामर्श दिया महामंत्री, चलिए हम कुलगुरु से तापसी को पाने का उपाय पूछेंगे। महामंत्री राजा कलाधर को समझा बुझाकर अयोध्या तो लौटा लाए, पर राजा का मन महलों में नहीं लगा। महामंत्री, हम कुलगुरु के आने की और प्रतीक्षा नहीं कर सकते, हम आज ही उनसे भेंट करने हिमालय जाएंगे। जैसी आपकी इच्छा महाराज, मैं भी आपके साथ चलूंगा। पर महाराज ने उन्हें अपने साथ नहीं लिया। हम कुलगुरु से भेंट करके जल्दी लौटेंगे महामंत्री, हमारे पीछे हमारी प्रजा को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ की आप चिंता न करें महाराज। कुलगुरु हिरण्यगर्भ से भेंट करने राजा कलाधर द्रुत गति से चल दिया। कई दिनों की यात्रा के बाद राजा हिमालय की तराई में गंगा के किनारे पहुंचा। घोड़े को वहीं छोड़कर राजा पैदल ही हिमालय की दुर्गम चढ़ाई चढ़ने लगा। चढ़ते चढ़ते राजा एक ऐसे दुर्गम और तंग रास्ते पर जा पहुंचा जहां से एक पार में एक व्यक्ति पार हो सकता था। तभी अचानक एक मुनि कुमार दूसरी ओर से वहां आ निकले। मुनि कुमार को अपने सामने रास्ते में खड़ा देखकर राजा का अहंकार जाग उठा। हमारे रास्ते से हट जाओ मुनि कुमार, हमें जल्दी है। महाराज, सनातन धर्म यही है कि मार्ग मुझ ब्राह्मण को ही मिलना चाहिए, एक राजा के लिए भी यही उचित धर्म है। लेकिन जब काफी देर तक भी दोनों अपने अपने स्थान से कस से मस नहीं हुए तो राजा को क्रोध आ गया। क्रोध के वशीभूत होकर राजा ने धर्म के मार्ग पर स्थित मुनि कुमार पर राक्षस की भांति घोड़े से प्रहार कर दिया। हटता है या नहीं? घोड़े की चोट खाकर मुनि कुमार को भी क्रोध आ गया। उसने राजा को साप दिया, राजाओं में नीच अहंकारी कलाधर, तूने एक तपस्वी मुनि कुमार को राक्षस की भांति मारा है, आज से तू नरबक्षी राक्षस हो जाएगा, जा भूत देखे तेरे जैसे तपस्वी। मुनि कुमार ने दुखी मन से राजा को रास्ता दे दिया। राजा बड़ी अकड़ और अहंकार से भरकर वह तंग मार्ग पार कर गया। हूँ जिसे देखो तपस्वी बना फिरता है, अहंकारी पुरुष संधा होता है, वह नहीं जानता कि वह कहाँ जा रहा है। राजा कलाधर अभी थोड़ी दूर ही गया था कि मार्ग में एक वृक्ष पर रहने वाला किंकर नामक नरभक्षी राक्षस मुनि कुमार के साप के वशीभूत होकर राजा के ऊपर कूदा। आहा। और वह राक्षस जैसे ही राजा के भीतर समाया, राजा का सहज रूप भयानक होने लगा। उफ, यह में क्या हो रहा है? राजा का सहज रूप परिवर्तित होते वह भयानक रूप से ऐसा
हा हा नरमास नरमास। राजा कलादर की बात सुनकर महर्षि हिरण्यगर्भ ने पल भर के लिए समाधि लगाई। हा हा नरमास नरमास। किंकर नामक राक्षस के वशीभूत होकर राजा कलादर विवेकहीन हो उठा और नरमास की खोज में भटकने लगा। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तभी वापस लौटता हुआ वही मुनि कुमार उसे दिखाई दिया। आहा, इस मुनि कुमार को ही अपना भोजन बनाता हूं। इससे पहले कि मुनि कुमार उससे बचकर निकल पाता, राजा ने मुनि कुमार को पकड़ लिया। आहा, अब तुम उससे बचकर कहां जाएगा? नराधन राक्षस, छोड़ दे मुझे, नहीं तो मेरे पिता हिरण्यगर्भ तेरा विनाश कर देंगे। पर किंकर राक्षस के वशीभूत राजा ने मुनि कुमार का पेट फाड़ डाला और उसका मांस खाने लगा। आहा, बड़े दिनों बाद ऐसा स्वादिष्ट भोजन मिला है। ठीक उसी समय महर्षि हिरण्यगर्भ उस मार्ग से होकर कहीं जा रहे थे। सहसा उनकी दृष्टि उस दर्शक पर पड़ी तो वे चौंक पड़े। अरे नराधम, यह तूने क्या किया? अपने कुल पुरोहित के बेटे को ही मार डाला। चुप कर बूढ़े, वरना तुझे भी खा जाऊंगा। राजा कलादर की बात सुनकर महर्षि हिरण्यगर्भ ने पल भर के लिए समाधि लगाई। अगले पल महर्षि को क्रोध आ गया। दुष्ट राक्षस, राजा के शरीर में तू छिपा बैठा है, मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। हा हा। महर्षि हिरण्यगर्भ ने अपने कमंडल में से थोड़ा सा जल अपने हाथ में लिया। ठहर जा। इससे पहले कि महर्षि हिरण्यगर्भ अपनी हथेली का जल राजा पर छिड़कते, राजा पहाड़ के किनारे से खाई की ओर गिरा। उफ। राजा बड़ी तेजी से खाई में गिरने लगा। तभी सूर्य पुत्री तापसी हवा में प्रकट हुई। राजन, मैंने तुझे अपना वर चुना है, मैं तेरे शरीर को नष्ट नहीं होने दूंगी। तापसी ने अपना दाहिना हाथ राजा की ओर उठाया। राजा एक चट्टान पर गिरा। आश्चर्य है, कड़ाक। अरे आवाज इतनी, पर लग रहा है जैसे रूई के गद्दे पर गिरा हूं। कुछ ही क्षणों बाद वह उठकर बैठ गया। उस दुष्ट साधु का इतना साहस कि मुझे खाई में गिरा दिया, जीवित नहीं छोड़ूंगा उसे। राजा ने एक बड़ी भारी चट्टान अपने हाथों में उठा ली। उस हत्यारे राक्षस से राजा को छुड़ाना होगा। इस हत्यारे राक्षस से राजा को छुड़ाना होगा। आने दो पास, इसकी हत्या करके पहले इसका ही मांस खाऊंगा। महर्षि हिरण्यगर्भ के पास आते ही राक्षस के वशीभूत राजा ने भारी चट्टान महर्षि की ओर फेंकी। लेकिन हत्यारे राक्षस, छोड़ दे राजा को, कड़ाक। अचानक राजा पलट कर भागा। इससे फिर कभी निपटूंगा। रुक जा दोस्त, तू कहीं भी जाएगा, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। राजा तेजी से एक पहाड़ी जंगल में घुस गया। किंकर को मारना इतना आसान नहीं है, बड़ी मुश्किल से यह सवारी मिली है, इसे आसानी से नहीं छोड़ूंगा। जंगल के किनारे पहुंचकर महर्षि हिरण्यगर्भ ने कमंडल से जल निकालकर जंगल की ओर फेंका। तुरंत उसमें आग लग गई। राजा जंगल की आग में गिर गया। उफ, इस आग से बचना मुश्किल है। तभी आकाश में तापसी प्रकट हुई और उसने अपनी हथेली जंगल की ओर कर दी। तुरंत तेज वर्षा जंगल की आग को बुझाने लगी। ओ वरुण देवता ने मेरी रक्षा कर ली, वह भी मेरे कोप से डरता है। भाग्य से ही यह बच रहा है, पर कब तक बचेगा? जंगल से निकलकर राजा एक सूखी पहाड़ी नदी में जा पहुंचा। आहा गांव, वहां जरूर मुझे नरमास मिलेगा, भूख के मारे मेरी आंतें अट रही हैं। उधर पानी। पहाड़ी नदी के भयानक वेग को राजा के शरीर में प्रवेश करने वाला राक्षस किंकर भी नहीं रोक सका। चाओ। तभी सूर्य पुत्री तापसी ने अपने हाथों की किरणों को नदी के ऊपर झुके एक पेड़ पर केंद्रित किया। कड़कड़कड़। राजा ने पानी में गिरी पेड़ की भारी डाल को पकड़ लिया। जब इंद्र मेरी सहायता कर रहा है तो मुझे कौन मार सकता है? पेड़ की डाल के सारे राजा पानी से बाहर निकला। अब मैं उस दुष्ट हिरण्यगर्भ को इसी वृक्ष की डाली से पीट पीट कर मार डालूंगा। उधर महर्षि हिरण्यगर्भ राजा को मरा जानकर अपने आश्रम की ओर लौट पड़े थे। तभी उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है। अरे मेरे पीछे कौन आ रहा है? महर्षि, मैं आपकी पुत्र वधु
अरुदंती हूं। महर्षि हिरण्यगर्भ ने पलट कर रासु बाती हुई अपनी पुत्र वधु को देखा। बेटी, तेरे सौभाग्यपूर्ण के अस्त हो जाने से मैं बहुत दुखी हूं, पर मैंने अपने पुत्र की मौत का बदला ले लिया है। भगवान, आपके बदला लेने से मेरा सौभाग्य सूर्य फिर से तो उदित नहीं हो सकता। ऐसा मौका फिर हाथ नहीं आएगा, दोनों मानवों का मांस खाने को मिलेगा। जानता हूं बेटी, पर मेरे पुत्र ने कारण राजा कलादर से विवाद न किया होता तो उसे अपने जीवन से हाथ न धोना पड़ता। ब्राह्मण को सदैव नरम रहना चाहिए। जरा सी बात के लिए साप देकर से अपनी शक्ति को नष्ट नहीं करना चाहिए था। और पानी, आप त्रिकाल दर्शी हैं तात, कभी कभी परिस्थिति वश आदमी को क्रोध आ जाना स्वाभाविक है। जैसे पुत्र मोह में आपने भी राजा पर क्रोध किया और बदला लिया। तुम ठीक कहते हो बेटी, फिर भी एक ब्राह्मण का अहंकार करना कदापि उचित नहीं है। और फिर मैंने राजा को नहीं, उसके भीतर छिपे किंकर को मारा है। लेकिन तात, शरीर तो राजा का ही नष्ट हुआ है। हाँ बेटी, राजा के अहंकार की यही सजा थी। पर इस उत्तर से मुझे संतोष नहीं है, मेरा बेटा तो फिर भी जीवित नहीं हो सकता। तात, आपके पुत्र का अंश मेरे उदर में विकसित हो रहा है, ऐसे में मेरे लिए क्या आज्ञा है? अरुदंती की बात सुनकर महर्षि हिरण्यगर्भ के चेहरे पर प्रसन्नता दौड़ गई। यह तो बहुत शुभ समाचार है बेटी, फिर तो मेरी वंश परंपरा का लोप नहीं हुआ। मुझे हर हालत में मेरे वंश की रक्षा करनी है। तेरा वंश? अचानक अरुदंती की दृष्टि राक्षस पर पड़ी तो वह चीख पड़ी, पिताश्री बचिए, स्त्री की ओट लेने वाले नराधन सामने आ। महर्षि हिरण्यगर्भ तत्काल संभल कर राजा के सामने खड़े हो गए। अहंकारी राक्षस, आज तेरा सर्वनाश निश्चित है। हूं, जिसकी वरुण देवता भी डर कर रक्षा करता हो, उसे कौन मार सकता है? अरुदंती व्याकुल होती, साथ इस भयंकर पापी को मारकर अपनी और अपने वंश की रक्षा कीजिए, वरना यह हम दोनों को खा जाएगा। भयभीत न हो बेटी। इससे पहले कि राजा महर्षि पर प्रहार करता, महर्षि ने कमंडल से जल लेकर मंत्र पढ़ा, ओम नहीं। दूसरे क्षण महर्षि ने मंत्र सिंचित जल राजा के ऊपर फेंका। नुर्बक्षी पापी किंकर, राजा को मुक्त कर। नहीं, नहीं जाऊंगा। जाएगा कैसे? नहीं, भाग जा, छोड़ दे राजा को। चला जाऊंगा, छोड़ दे मुझे। महर्षि हिरण्यगर्भ के मंत्र सिंचित जल का स्पर्श होते ही राजा कलादर मुनि कुमार के साप से मुक्त हो गया। उठो वत्स, साके खोलो। राजा कुछ ही क्षणों बाद उठकर खड़ा हो गया और आश्चर्य से महर्षि और अरुदंती की ओर देखने लगा। मुनि श्रेष्ठ, आप यहाँ? मैं तो आपसे मिलने आ रहा था, पर यह देवी कौन है? कलादर, यह मेरी पुत्र वधु अरुदंती है। यह उस ब्राह्मण कुमार की पत्नी है जिसे तुमने कोड़े मारकर अपमानित किया था। राजा को झटका सा लगा, उसने हैरानी से अरुदंती की ओर देखा। ओ, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, अहंकार के वशीभूत होकर मैंने यह क्या कर डाला। मुझे क्षमा कर दे महर्षि। क्षमा तो तुम्हें यही दे सकती है राजन, इसे विधवा बनाने वाले भी तुम ही हो। राजा चौंका, मैंने इसे विधवा कैसे बनाया महामुनि? क्या मैंने ब्रह्म हत्या की है? पर कैसे? मैंने तो सिर्फ कोड़े मारने के अलावा भी तुमने बहुत कुछ किया राजन, आओ तुम्हें दिखाता हूं। महर्षि राजा और अरुदंती को लेकर मुनि कुमार के सत विकसित शव के पास पहुंचे। हाय स्वामी, यह देखो, तुमने ही मेरे बेटे की यह दशा की है। आपका बेटा मैंने इसे नहीं मारा, यह झूठ है। यह झूठ नहीं है राजन, इसके साप के वशीभूत होकर तुम किंकर नामक एक नरबक्षी राक्षस की चपेट में आ गए थे। उसी राक्षस ने तुम्हारे शरीर में प्रवेश करके मेरे बेटे को मार डाला। ओ, फिर तो यह पाप उस राक्षस ने किया है। लेकिन लेकिन हुआ तो मेरे ही हाथों है,
पहले मैं इस ब्रह्मत्ता का प्रायश्चित करूंगा, मैं से फिर देवी अरुदंती से क्षमा मांगूंगा। कैसे तुम कैसे प्रायश्चित करोगे राजन, तुम तो किसी दूसरे लक्ष्य को लेकर घर से निकले हो। राजा चौंका, आप अंतर्यामी है गुरुदेव, किंतु मेरा लक्ष्य मेरे इस पाप के प्रायश्चित से बड़ा नहीं है। मैं अपना जीवन देकर भी देवी अरुदंती को प्रसन्न करूंगा। अब सूर्य पुत्री तापसी को पाकर भी मैं तब तक प्रसन्न नहीं हो सकता जब तक कि देवी अरुदंती के चेहरे पर प्रसन्नता के लक्षण प्रकट न हो जाए। तुम धन्य हो राजन, यदि तुम सूर्य देव को प्रसन्न कर सको तो देवी तापसी और मेरे बेटे का जीवन दोनों ही पा सकते हो। क्या यह संभव है गुरुदेव? फिर तो पहले मैं उनसे अपने गुरु भाई का जीवन ही मांगूंगा। राजा ने नीचे बैठकर महर्षि हिरण्यगर्भ के पैर पकड़ लिए। गुरुदेव, मुझे वह मार्ग बताइए जिससे मैं भगवान सूर्य देव को प्रसन्न कर सकूं। बड़ा कठिन मार्ग है राजन, पता नहीं तुम उस पर जा भी पाओगे या नहीं। कितना भी कठिन मार्ग क्यों न है मुनि श्रेष्ठ, मैं उस पर जरूर जाऊंगा, बस आप मुझे मार्ग बताइए। तो सुनो, यहाँ से दक्षिण दिशा में विंध्याचल नाम का एक सूखा पर्वत है। वहां 12 वर्ष से वर्षा की एक बूंद भी नहीं बरसी है। ओ भगवान सूर्य के प्रकोप से वहां भीषण अकाल पड़ा हुआ है। लोग तराई तराई कर रहे हैं, सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। राजा चिंतित हो उठा। गुरुदेव, इस अकाल और सूर्यदेव के कोप का क्या कारण है, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें उस पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या करनी होगी और भगवान सूर्य को प्रसन्न करना होगा। मैं उन्हें अवश्य प्रसन्न करूंगा गुरुदेव, पर आपने उनके कोप का कारण तो बताया ही नहीं। राजन, 12 वर्षों पूर्व पर्वतराज विंध्याचल ने सूर्य पुत्र यमराज को यज्ञ पुरोहित का कार्य सौंपकर एक महान यज्ञ करा था। राजन, यज्ञ पूर्ण होने का समय निकट है, अपनी सर्वश्रेष्ठ इच्छा प्रकट करके आहुति डालो। जो आज्ञा राजन। पर्वतराज विंध्याचल ने आहुति डालने से पूर्व कहा, हे अग्निदेव, मेरी इच्छा है कि मैं इस धरती पर इतना ऊंचा उठूं कि सव सूर्य देव को भी आगे बढ़ने के लिए मुझसे रास्ता मांगना पड़े। यह आपने कैसी इच्छा प्रकट की पर्वतराज? पिताश्री का मार्ग रोकने का साहस तो वरुण देवता भी नहीं कर सकते। विंध्याचल को क्रोध आ गया और वह अहंकार में भरकर बोला, क्यों नहीं कर सकते? वर्षा काल में जब वरुण देवता आपके पिता को अपने आवरण में ढक लेते हैं तब आपके पिताश्री का बाहर झाँकने का साहस तक नहीं होता, तब आप भी कुछ नहीं कर पाते। तुम मेरा और मेरे पिताश्री का अपमान कर रहे हो पर्वतराज। आप यज्ञ के पुरोहित हैं यमराज, एक पुरोहित के लिए क्रोध करना उचित नहीं है। फिर मैं तो आपकी आज्ञा से ही अपनी इच्छा प्रकट कर रहा हूं। निरुत्तर होकर यमराज ने आहुति डलवाई। ठीक है राजन, तुम आहुति डालो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। ओम अग्नेश्वर। राजा ने जैसे ही आहुति डाली यज्ञ के मध्य से अग्निदेव प्रकट हुए। मुझे स्वीकार है राजन, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, लेकिन तुम्हारा शरीर पर्वताकार होकर ही ऊंचा उठ पाएगा। तथास्तु। मुझे स्वीकार है भगवान। उसी दिन से विंध्याचल नाम का राजा पर्वत के रूप में आकाश को छूने लगा। उधर सूर्यदेव को जब पता चला तो वे क्रोध में भरकर बोल उठे, उस अहंकारी पर्वतराज और वरुण देवता का घमंड मुझे तोड़ना ही होगा, पर तुमने वह आहुति क्यों डलवाई? पिताश्री उस समय में विवश था। ऋषि हिरण्यगर्भ ने अपनी बात समाप्त की। तब से भगवान सूर्यदेव ने कुपित होकर पर्वतराज विंध्याचल की सारी वनस्पति और वृक्षों को जलाकर भस्म कर दिया है और वरुण देवता के मार्ग में भीषण ज्वालाएं बिखेर दी हैं। तब से वहां न वर्षा होती है न वहां कोई वनस्पति है। यह तो अन्याय है पिताश्री। अन्याय कुछ नहीं है बेटी, यदि कोई विंध्याचल के घमंड को उसके सर्वोच्च शिखर पर चढ़कर चूर चूर कर दे तो सूर्यदेव और यमराज प्रसन्न हो सकते हैं, पर उस पर चढ़ना साधारण बात नहीं है। फिर आप इन्हें उस कठिनाई में क्यों डालते हैं पिताश्री? तब राजा ने कहा, आप मुझे आज्ञा दीजिए गुरुदेव, मैं विंध्याचल पर्वत का घमंड चूर चूर करके ही रहूंगा। तब तक क्या मुनि कुमार का यह शव सुरक्षित रह पाएगा? इसकी सुरक्षा हम सब करेंगे राजन, जाओ विजयी होकर लौटो।
महर्षि हिरण्यगर्भ से आज्ञा लेकर राजा कलाधर विंध्याचल पर्वत की ओर चल दिया। लंबा मार्ग है और मुझे यथाशीघ्र वहां पहुंचना है। मार्ग में अनेक कठिनाइयों को पार करता हुआ राजा विंध्याचल पर्वत के नीचे पहुंचा। वो यहाँ तो हरियाली का एक पत्ता भी दिखाई नहीं दे रहा है। बिना एक पल भी खोए राजा कलाधर विंध्याचल की दुर्गम और विकट चढ़ाई चढ़ने लगा। मैं भी अगर सूर्यवंशी हूं और मेरे भीतर मेरे महान वंश का रक्त बह रहा है तो मैं तेरे अहंकार का मर्दन अवश्य करूंगा पुरोतराज। कठिन क्षणों में भी राजा ने सांस नहीं छोड़ा। जो जो ऊपर चढ़ता जाता तो उसे पर्वत शिखर और भी ज्यादा ऊंचा दिखाई देने लगता। हे भुवन भास्कर, अपने वंश की रक्षा करना, मुझे साहस देना कि मैं आपके अपमान का बदला इस पर्वतराज से ले सकूं। और अंत में राजा पर्वतराज विंध्याचल की सर्वोच्च चोटी पर पहुंचने में सफल हो गया। आह पर्वतराज, अब तू अजय नहीं रहा, तेरा मस्तक साज मेरे पैरों के नीचे है। उसी दिन से राजा कलाधर ने भूख प्यास की परवाह किए बिना सूर्य देव की उपासना प्रारंभ कर दी। ओम विश्वानि देव। तपस्या करते करते राजा को पूरा एक वर्ष बीत गया पर उसने अपना हठ नहीं छोड़ा। ओम विश्वानि देव सवित दुर्कृतानि प्रासु यद भद्रम तंदर रासु। तुम धन्य हो राजन, तुमने सचमुच मेरे अहंकार को नष्ट कर दिया है। राजा के अटूट श्रद्धा भक्ति देखकर सूर्यदेव ने अपने पुत्र यमराज को राजा के पास भेजा। आंखें खोलो राजन, मैं सूर्य पुत्र यम हूँ। पिताश्री ने तुम्हारी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर मुझे भेजा है, तब छोड़कर अपनी इच्छा प्रकट करो। मैं अयोध्यापति कलाधर सूर्य पुत्र यमराज को प्रणाम करता हूँ, परंतु देव अभी मेरी इच्छा प्रकट करने का समय नहीं आया है। ऐसा तुम कैसे कह सकते हो राजन? हे देव, यदि भगवान सूर्य मुझे अंकिचन राजा से प्रसन्न होते तो वे स्वयं मुझे दर्शन देने आते। वो समझा। यमराज तत्काल अंतर्ध्यान हो गए और अपने पिता के पास पहुंचकर बोले, पिताश्री, जब तक आप राजा कलाधर को स्वयं दर्शन नहीं देंगे तब तक वह अपनी तपस्या छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। फिर तो हमें चलना ही होगा। मुझे पता है कि वह यहाँ क्यों आया है। सूर्यदेव तत्काल अपने पुत्र यम और तापसी को साथ लेकर राजा के सामने प्रकट हो गए। आंखें खोलो वत्स, हम तुमसे प्रसन्न है, वर मांगो। प्रभु, आपके इस दिव्य स्वरूप को मैं अपनी इन आंखों से कैसे देख सकता हूँ? जब तक सूर्यदेव ने उसकी बात बीच में ही काट दी। समझा, आंखें खोलो वत्स, तुम्हारी ये आंखें मेरे ताप को आसानी से सहन कर सकेंगे। अपने श्री चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। कल्याण राजन, जिस कार्य से तुमने यह कठोर तप किया है उसे प्रकट करो। प्रभु, इसके तीन कारण है, क्या सभी का उल्लेख करना उचित होगा? तुम अपने तीनों कारण निसंकोच को राजन, मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूर्ण करूंगा। प्रभु, आपने जिस अजय विंध्याचल पर्वत का घमंड चूर करने के लिए कोप किया, कृपा उसे वापस ले लीजिए, क्योंकि यह पर्वत अब अजय नहीं रहा और व्यर्थ में हजारों लोग आपके क्रोध के शिकार हो रहे हैं, उन पर कृपा कीजिए प्रभु। राजा की बात सुनकर सूर्यदेव मुस्कुराए। और तुम्हारा दूसरा कारण? प्रभु, साप के वशीभूत होकर मेरे द्वारा एक ब्रह्महत्या हो गई है। कृपा मुनि कुमार को जीवन दान देकर मुझे ब्रह्महत्या के दोष से मुक्त कीजिए। तीसरा कारण क्या राजन? भगवान, पहले आप मेरी यह दो इच्छाएं पूर्ण कर दीजिए, तब मैं अपनी तीसरी इच्छा प्रकट करूंगा। सूर्यदेव मुस्कुराए। राजन, लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर दोनों इच्छाएं सूर्यवंश की मर्यादा के अनुरूप हैं। मैं तुम्हें यह दोनों ही वर देता हूं। जब तुम यहां से वापस लौटोगे तब तुम सवे अपनी आंखों से मेरे दोनों वर पूरे होते देखोगे। तथास्तु। प्रभु, अब अपनी तीसरी इच्छा के रूप में मैं आपकी पुत्री तापसी का पानी ग्रहण करना चाहता हूँ। तथास्तु राजन, मेरी पुत्री के लिए निसंदेह तुम योग्यवर हो। तत्काल आकाश में बादल गिराए और गरजने लगे। विंध्याचल का आकार छोटा होने लगा। अरे, जैसे गड़गड़ाहट रुकी। सूर्यदेव के सम्मुख रथ लेकर वरुण देव और
पर्वतराज विंध्याचल प्रकट हो गए। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं अब कभी अभिमान नहीं करूंगा। जाओ फिर कभी अहंकार न करना, अन्यथा इस धरती का साधारण मानव भी तुम्हारे अहंकार को नष्ट कर देगा। सूर्य से विदा लेकर राजा कलाधर अपनी नववधू तापसी के साथ महर्षि हिरण्यगर्भ के आश्रम पर पहुंचा। महर्षि सरद द्वार पर स्वागत के लिए आए। आओ राजन, विजयी होकर लौटे हो, तुम्हारा स्वागत है। प्रणाम मुनिवर। गुरुदेव, मैं मुनि कुमार और देवी अरुदंती का अपराधी हूँ। जब तक वे दोनों सामने नहीं आएंगे, मैं आश्रम में प्रवेश नहीं करूंगा। महर्षि हिरण्यगर्भ मुस्कुराए। मैं जानता था कि तुम आते ही उन्हें पूछोगे, इसलिए मैंने उन्हें तत्काल यहाँ आने के लिए कहा है वत्स। जल्दी मुनि कुमार अपने पुत्र को गोद में लिए अपनी पत्नी अरुदंती के साथ वहां आए। तुम्हारा स्वागत है राजन। नहीं मुनि कुमार, मेरा स्वागत कैसा, मैं तो तुम्हारा अपराधी हूं। मैंने अहंकार के वशीभूत होकर तुम्हारी पीठ पर कोड़े मारे थे। जब तक तुम मेरी पीठ पर कोड़े नहीं मारोगे, मैं आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकता। नहीं, यह उचित नहीं है राजन। एक ब्राह्मण होकर मैंने भी तुम्हें बिना सोचे समझे साप दे डाला था। तुम्हें नरभक्षी राक्षस बनाकर मैंने भी तो भारी पाप किया था। महर्षि हिरण्यगर्भ आगे आए। मेरे बच्चों, तुम दोनों ही अपने अपने कर्मों के प्रायश्चित कर चुके हो, उनका फल भी भोग चुके हो, अब उन कर्मों को भूल जाओ। महर्षि के कहने पर राजा ने कहा, किंतु गुरुदेव, जब तक मुनि कुमार मुझे साप मुक्त नहीं करेंगे, तब तक मुझे यही लगेगा कि मेरा यह जीवन साप मुक्त नहीं हुआ है। प्रभु, अब अपनी तीसरी इच्छा के रूप में मैं मुनि कुमार ने बालक को रुदंती की गोद में दे दिया और राजा को सीने से लगा लिया। तुम धन्य हो राजन, मैं अपना साप वापस लेता हूं। गुरु भाई, तुम्हारी पीठ पर पड़े कोड़े की पीड़ा को मैं जीवन पर्यंत सहने का वचन देता हूं। उस दिन आश्रम में रहने के पश्चात राजा कलाधर ने महर्षि हिरण्यगर्भ से विदा ली। गुरुदेव, गुरु पूर्णिमा के पर्व पर मैं सपरिवार अयोध्या में आपकी प्रतीक्षा करूंगा। हम अवश्य आएंगे राजन। तब राजा और तापसी वरुण देवता के रथ पर सवार होकर अयोध्या की ओर तिरोगति से चल पड़े। फिर यह बहुत दिनों तक अपने घर से बाहर रहने के बाद हम जब वापस घर लौटते हैं, तब कितना सुखकर लगता है, उतना ही नहीं जितना एक नई नवेली दुल्हन को पहली बार उतना ही जितना एक नई नवेली दुल्हन को पहली बार अपनी ससुराल जाते हुए लगता है। अयोध्या पहुंचकर सभी नगरवासियों और राज्य अधिकारियों ने राजा और रानी का भव्य स्वागत किया। समाप्त दोस्तों, अच्छी कहानी थी, जरूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी।